नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। दोस्तों, शिक्षण विधियों की क्लासें लग रही है, हिंदी की शिक्षण विधि चल रही है, सामान्य शिक्षण विधि मैं पढ़ा चुका हूं। अगर वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर वीडियो जरूर देखें। अभी हिंदी की शिक्षण विधियों में मैंने आपको वाचन कौशल की वाचन शिक्षण की विधियां और पठन शिक्षण की विधियां पढ़ा दी है। अब जो इसका तीसरा पार्ट आता है, ये इसका तीसरा पार्ट है जो आता है लेखन शिक्षण की विधियां। तो आज लेखन शिक्षण की वीडियो को चलाने वाले हैं। और अगर वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाए, ना पसंद आए तो अनलाइक भी करके जाइए, ठीक है। पसंद नहीं आता है तो अनलाइक करो, पसंद आता है तो लाइक करो, कुछ तो किया करो यार। बात की जाए हिंदी शिक्षण की विधियां है ना, कि लेखन शिक्षण की विधियों की बात की जाए तो लेखन शिक्षण की विधियों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो। लेखन शिक्षण की विधियां क्या होती है? मतलब वह विधियां जिनका प्रयोग करके बालक को लिखना सिखाया जाता है, उसे ही लेखन शिक्षण की विधियां कहते हैं। तो देखिए, लेखन शिक्षण की विधियों को दो भागों में बांटा गया है। इसका जो पहला प्रकार है वो होता है सीखने की विधियां। किसकी विधियां? सीखने की विधियां, या फिर इसको एक और अन्य नाम से जाना जाता है, सिखाने की विधियां। सीखने की विधियां या सिखाने की विधियां, ठीक है, पहला प्रकार है। और इसका दूसरा प्रकार होता है श्रुतलेख की विधियां। क्या नाम है? श्रुतलेख, क्या, सॉरी, सुलेख की, सुलेख की विधियां, ठीक है। मतलब लेखन शिक्षण की विधियों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है सीखने या सिखाने की विधियां और दूसरी है सुलेख की विधियां। तो पहले सीखने सिखाने की विधियों को देखेंगे कि सीखने सिखाने की विधियां कितनी होती है, फिर देखेंगे सुलेख की विधियां कितनी होती है। तो पहले सीखने सिखाने की विधियों की बात की जाए तो सीखने सिखाने की विधियों को चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में इसको बांटा गया है। तो पहला है अनुकरण विधि। पहली जो विधि का नाम क्या है? अनुकरण विधि। इसकी जो दूसरा प्रकार है, थोड़ा इधर लिख देते हैं, इसका जो दूसरा प्रकार है वो है खेल खिलौना विधि। खेल खिलौना, खेल खिलौना विधि। इसका जो तीसरा प्रकार है वो है पेस्टोलॉजी विधि। तीसरा प्रकार क्या है? पेस्टोलॉजी, पेस्टोलॉजी विधि। और इसका जो चौथा प्रकार है वो है जेका टाट विधि, जेका टाट विधि। तो ये चारों विधियां किसकी है? ये सीखने की विधियां या सिखाने की विधियां। क्या सीखने या सिखाने की? लेखन सीखने की विधियां या लेखन सिखाने की विधियां। इसकी जो पहली विधि है अनुकरण विधि, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है इसको? दो भागों में इसको बांटा गया है। किसको? अनुकरण विधि को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है रूपरेखा अनुकरण विधि। रूप रेखा अनुकरण, रूपरेखा अनुकरण विधि। और इसका जो दूसरा नाम होता है, दूसरा प्रकार है, वो है स्वतंत्र अनुकरण विधि। स्वतंत्र अनुकरण विधि, ठीक है। तो ये किसके प्रकार है? ये दोनों, ये अनुकरण विधि के प्रकार है। और बात की जाए सुलेख की विधियों की, तो सुलेख की विधियां तीन प्रकार की होती है। अब तीन प्रकार की देखिए दोस्तों, सुलेख की जो विधियां हैं, सुलेख की विधियां तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है देखते हैं। तो इधर में, इधर जगह नहीं है तो इधर से यहां ओके ला रहा हूं। तो सुलेख की पहली विधि है जिसका नाम है अनुलेख विधि। क्या है? अनुलेख विधि। और जो दूसरी विधि है वो है प्रतिलेख विधि, प्रतिलेख विधि, दूसरा प्रकार। और इसका जो तीसरा प्रकार है वो है श्रुतलेख विधि, श्रुतलेख विधि। तो यह तीसरा प्रकार है। अब दोस्तों समझना है आपको, ये मैं इसमें पॉइंट डाल देता हूं, ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, इसमें ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो एक ये सारणी बन चुकी है, आपको सारणी याद होना चाहिए सभी को। सारणी को कैसे याद रखना है देखिए। बात सबसे पहले याद रखिए कि लेखन शिक्षण की विधियां कितने भाग हैं? दो भाग। सीखने सिखाने की विधियां, क्या सीखने सिखाने की? लेखन सीखने या सिखाने की। और दूसरा सुलेख की।
सुलेख मतलब अच्छा जो लेख है, कि अच्छा लिखना बालकों को कैसे सिखाए उसकी विधियां है। यहाँ पे देखिए जो सीखने सिखाने की विधियां है, इसमें पहली विधि कौन सी है, अनुकरण विधि। अनुकरण विधि के कितने भाग हैं, दो भाग, एक तो रूपरेखा अनुकरण विधि और दूसरा स्वतंत्र अनुकरण विधि। फिर बात की जाए खेल खिलौना विधि, दूसरा है लेखन सिखाने की, तीसरी है पेस्टोलॉजी और चौथी है जेगटार्ट विधि। यहाँ पे सुलेख की तीन विधियां होती है, कितनी होती है, तीन, कौन कौन सी, अनुलेख, प्रतिलेख, श्रुतलेख, ये तीन विधियां किसकी है, ये सुलेख की ये विधियां है, जिसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, बिल्कुल जैसे मैंने बनाया वैसी सारणी आपको याद रखना है, बनाना है। अगर नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना रहे हो तो भी आपके ऊपर निर्भर करता है, मेरा कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। अब अपन एक 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 को पढ़ने वाले हैं कि अनुकरण विधि में रूपरेखा अनुकरण क्या होता है, स्वतंत्र अनुकरण क्या होता है, खेल खिलौना विधि क्या है, पेस्टोलॉजी विधि क्या है, जेगटार्ट विधि में क्या क्या है, अनुलेख क्या होता है, प्रतिलेख क्या होता है, श्रुतलेख क्या होता है, सभी को मैं पढ़ाने वाला हूं, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपन फिर बात करेंगे अनुकरण विधि की, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अनुकरण विधि की, कि अनुकरण विधि क्या होती है और इसके जो दो प्रकार है वो क्या होते हैं। तो मैं टॉपिक डालता हूं पहला, लेखन शिक्षण विधियों में पहली विधि कौन सी है, अनुकरण विधि, कौन सी है, अनुकरण विधि। तो अनुकरण का मतलब क्या होता है कि पहले को अध्यापक कोई कार्य करेगा, फिर छात्र भी वैसा ही कार्य करेंगे उसके जैसा ही, तो उसका अनुकरण करेंगे। तो अनुकरण विधि में कितने लिखना सिखाया जाएगा, इसमें क्या सिखाया जाएगा, लिखना। अब इसके कितने रूप प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार कौन सा है, इसमें भी इसका भी पहला प्रकार कौन सा है, रूपरेखा अनुकरण विधि। क्या नाम है, रूपरेखा अनुकरण विधि। अब रूपरेखा अनुकरण विधि क्या होती है, समझ लीजिए एक बार, एक एक चीज को समझना है कि रूपरेखा अनुकरण विधि क्या है, स्वतंत्र अनुकरण विधि क्या है, जेगटार्ट क्या है, खेल खिलौना क्या है, ये सभी चीजें, पेस्टोलॉजी विधि क्या है। तो पहले इसको देखते हैं रूपरेखा अनुकरण विधि को, रूपरेखा। तो इसमें क्या किया जाएगा कि जो अध्यापक होता है कक्षा में, क्या होता है, जो अध्यापक होता है वो वर्णों को, वर्णों की जो आकृति होती है, वर्णों की आकृति को बिंदु के माध्यम से, बिंदु के माध्यम से श्याम पट्ट पर बना देता है। फिर जो छात्र होते हैं वो क्या करते हैं, देखिए उन बिंदुओं को छात्र आपस में मिलाते हैं, उन बिंदुओं को छात्र आपस में मिला देते हैं, छात्र आपस में मिला देते हैं और वर्ण लेखन करना सीख जाते हैं। मैं अभी समझाऊंगा, एक सेकंड रुकिए। और वर्ण लेखन करना सीख जाते हैं, ठीक है। तो ये विधि कहलाती है रूपरेखा अनुकरण विधि। अब क्या लिखा मैंने कि अध्यापक क्या करता है, वर्णों की आकृति को बिंदु के माध्यम से श्यामपट्ट पर बना देता है, उन बिंदुओं को छात्र आपस में मिला देते हैं और वर्ण लेखन करना सीख जाते हैं। अब मैं इसका उदाहरण दूंगा तब आपको समझ में आ जाएगी ये चीज। जैसे यहाँ पे लिखा, समझना है थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने ये कुछ बिंदु बना दिए, ये मैंने बिंदु बना दिए। तो अध्यापक क्या करता है, ऐसे ही वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं उन वर्णों को श्यामपट्ट पर ऐसे बिंदु बना देता है, और जो छात्र होते हैं उनका अनुकरण करते हुए, अध्यापक का अनुकरण करते हुए उन बिंदुओं की आकृति को अपनी कॉपी में लिख लेते हैं और अध्यापक कहता है कि इन बिंदुओं को आपको मिला देना है। तो छात्र क्या करते हैं, इन बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं। इस प्रकार ये बिंदु को आपस में मिला दिया, ये देखिए जैसे ये मिला दिया उसने कि भाई हाँ ये मिला दिया ये, और वर्ण लेखन करना वो सीख जाता है। ऐसा कोई सा भी बिंदु हो सकता है, जैसे ये क्या लिखना सिखाना उसको, क्या कबूतर वाला,
तो ऐसा अध्यापक कैसे बना देता है। अब छात्र भी ऐसे एक आकृति बनाते हैं और अध्यापक क्या कहता है कि भाई इन बिंदुओं को आपको आपस में मिला लेना है। तो ये क्या कहलाती है, ये विधि रूपरेखा अनुकरण विधि। क्लियर है सभी के? तो इस प्रकार इस विधि में पहले अध्यापक वर्णों को बिंदुओं के माध्यम से किस पर बनाता है, श्याम पट पर, और छात्र क्या करते हैं उन बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं और मिला करके धीरे धीरे वो वर्ण का लेखन करना सीख जाते हैं। तो यही विधि कहलाती है रूपरेखा अनुकरण विधि। क्लियर, समझ में आई है आपके कि रूपरेखा अनुकरण क्या होती है? तो ये उदाहरण भी हो जाएंगे इसमें, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद मैं बताने वाला हूँ स्वतंत्र अनुकरण विधि के बारे में। तो दोस्तों स्वतंत्र अनुकरण विधि के बारे में बात करेंगे कि स्वतंत्र अनुकरण विधि क्या होती है। अब यहाँ पे वर्ण लेखन करना बालकों को सिखा रहे अपन, तो स्वतंत्र अनुकरण विधि में क्या किया जाता है कि जो अध्यापक होता है वो अध्यापक क्या करता है, सबसे पहले श्याम पट पर पूरी वर्णमाला लिखेगा। सबसे पहले क्या करेगा, श्याम पट पर वर्णमाला लिख देता है पूरी, एनआर वाले से ये ज्ञानी वाले तक वो वर्णमाला को लिख देता है कि भाई जैसे यहां से एनआर वाले से ये ज्ञानी वाले तक वर्णमाला अपन ने बोर्ड पे लिख दी। अब अध्यापक आदेश देगा छात्रों को कि इसमें आपको जो सरल लगता है, जो सरल लगता है उसको पहले आपको लिखना है, और जो सरल लगता है उसे पहले लिखना है, और जो कठिन लगता है उसको आपको बाद में लिखना है। मतलब इसमें सरल पहले लिखा जाता है और कठिन बाद में लिखा जाता है। जो कठिन वर्ण होते हैं छात्र को जो कठिन लगते हैं उन वर्णों को छात्र बाद में लिखते हैं। अब यहाँ पे छात्र स्वतंत्र होते हैं, उनकी मर्जी हो जिस प्रकार वो लिख सकते हैं, लेकिन पूरी वर्णमाला तो अध्यापक ने लिख दी। जैसे मैं कुछ दो तीन लाइनें लिखता हूं, जिसे यहां लिखा ए आ ई बड़ी ई उ बड़ा उ और री, फिर लिखा ए ऐ ओ औ, फिर ये अनुस्वार और ये विसर्ग, फिर यहां लिखा कबूतर खरगोश गमला घड़ी फिर इंगे, फिर लिखा चम्मच चाटा जाज झंडा ये, फिर लिखा टमाटर टटेरा डमरू डक्कन ने। इस प्रकार पूरी तो अपन नहीं लिखेंगे, इस प्रकार वर्णमाला छात्र अध्यापक क्या करता है, वर्णमाला अध्यापक श्यामपट पर लिख देता है और छात्रों से कहता है कि आपको इसमें जो सरल लगता है उसको आप पहले लिख लीजिए। तो छात्र क्या करेगा, वो देखेगा कि यार इसमें है ना ये जो ठटेरा वाला है ये मुझे बहुत सरल लग रहा, तो सबसे पहले वो इसको लिखेगा। फिर वो कहता है कि यार इसमें मुझे ये उल्लू वाला भी सरल लग रहा, तो फिर वो इसको लिखेगा। फिर वो सोचता है कि यार मुझे ये जाज वाला भी सरल लग रहा, तो फिर इसको लिखेगा। फिर वो कहता है कि मुझे तो ये कबूतर वाला सरल लग रहा, फिर इसको लिखना सीख जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे सरल से कठिन की ओर, कैसे सरल से कठिन की ओर, पहले वो सरल लिख रहा है तो सरल से कठिन की ओर जाते हुए छात्र वर्णमाला को लिखना सीख जाते हैं। तो ये विधि कौन सी होती है, स्वतंत्र अनुकरण विधि। अब स्वतंत्र नाम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अध्यापक ने तो वर्णमाला लिख दी, लेकिन छात्र क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उनकी मर्जी के हिसाब से स्वतंत्र होकर के उनको जो शब्द सरल लगता है पहले उसको लिखना सीखते हैं, और जो शब्द कठिन लगता है बाद में उनको लिखना सीखते हैं। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि यह विधि सरल से कठिन की ओर, कठिन की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है, आधारित है। या कठिन की जगह एक और शब्द आ सकता है जटिल, जटिल का मतलब भी क्या होता है, कठिन। लेकिन इस विधि का एक दोष क्या है कि इसमें क्रमबद्धता से वर्णमाला का ज्ञान नहीं हो पाता है। यहां पे मैं लिख देता हूं कि इसमें क्रमबद्धता से वर्णमाला का ज्ञान नहीं हो पाता है
पाता है। और इसमें छात्र कैसे स्वतंत्र होकर सीखते हैं, जैसे सीखते हैं स्वतंत्र होकर सरल से कठिन या जटिल की ओर सीखते हैं। और इस विधि का दोष क्या है कि इसमें क्रमबद्धता से वर्णमाला का ज्ञान छात्रों को नहीं होता है। क्रमबद्धता से क्यों नहीं होता है, क्योंकि पहले कबूतर लिख रहा है, फिर जहाज लिख रहा है, फिर ठटेरा लिख रहा है, फिर उल्लू लिख रहा है, तो ये क्रमबद्ध कहां हुआ, इसलिए इस विधि में ये इसका दोष माना जाता है। तो ये विधि समझ में आई, ये विधि स्वतंत्र अनुकरण विधि, छात्र स्वतंत्र होकर के अपनी मर्जी से सरल से कठिन की ओर वर्णमाला को लेखन करना सीखते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, स्वतंत्र अनुकरण विधि। तो इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसके बाद नेक्स्ट विधि पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो काफी लंबा बन गया है, तो अगले वीडियो में जो तीन विधियां बच रही है लेखन शिक्षण की, जो सीखने सिखाने की विधियां है उसकी तीन विधियां और बच रही है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। पहले आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद सुलेख की विधियां उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, तो अपने लेखन शिक्षण की विधियां भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपके, अगर नहीं आ रहा है तो डिसलाइक करें, और समझ में आ रहा है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद सभी दोस्तों को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।